घूरी मिलेगी आग की चिंगारी ने मचाया कहर। घर में सो रहे पति पत्नी और पुत्र और पुत्री जले। घर गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक जलने से एक व्यक्ति वीरू कर्ण की हुई मौत। छोटी सी चिंगारी ने एक परिवार का सब कुछ लिया। आग लगने से घर का सामान जल गया। वहीं घर के मुखिया वीरू कर्ण, उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा राम बेटी निधि कर्ण भी आग में जल गए हैं। जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। एक हंसता हुआ परिवार आग की चिंगारी से कभी न भूलने वाला दुख की चपेट में आकर अपना सब कुछ गंवा चुका था। आग लगने की घटना दतिया जिले के इंद्रगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत तिगरू की है, जहां आग लगने से वीरू कर्ण, पत्नी सरस्वती, पुत्र राम और पुत्री निधि आग में झुलस गए। जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंद्रगढ़ लाया गया, जहां ज्यादा जल जाने से दौरान इलाज वीरू कर्ण की मृत्यु हो गई। वहीं घर के अन्य तीन लोग दतिया अस्पताल में इलाज हेतु रिफर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इंद्रगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत तिगरू में खुरे में किसी ने जलती हुई कंडे की राख डाल दी थी, तो दोपहर में धीरे धीरे सुलग उठी और हवा से आग पास खड़े सूखे पेड़ पर लग गई, जहां उसे उड़ी आग की चिंगारी वीरू कर्ण के कच्चे मकान में पहुंच गई। दोपहर का वक्त होने से घर के सभी लोग अंदर सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें घर में लगी आग का एहसास नहीं हुआ। जब तक आग लगने की जानकारी हो पा दी तब तक सभी आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से जल गए। आग लगने से चार लोग, पति पत्नी और पुत्र और पुत्री जलकर घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति वीरू कर्ण की अधिक जलने से मृत्यु हो गई है, जबकि वीरू की पत्नी सरस्वती की जलने से हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है और पुत्र एवं पुत्री के साथ आग से जले हुए घायलों को दतिया रिफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आग घूरे में लगी हवा से आग पेड़ और पेड़ से आग वीरू कर्ण के कच्चे मकान पर लग गई। अंतर पुत्र राम और पुत्री निधि सो रहे थे, जबकि पति वीरू कर्ण और पत्नी सरस्वती बाहर कच्ची झोपड़ी में थे। जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ दोनों पति पत्नी मिलकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। जब आग बढ़ने लगी तो पति पत्नी अंदर सो रहे थे, पुत्र और पुत्री को बचाने अंदर कमरे में गए। जैसे ही वे दोनों अंदर गए तो बाहर घास फूस का छपरा आग से जलता हुआ गिर गया और निकलने का रास्ता बंद हो गया, जिससे घर के सभी चारों सदस्य बुरी तरह से जल गए। इंद्रगढ़ नगर परिषद से फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई और आग को काबू किया। आग इतनी विकराल थी, थोड़ा सा भी देर होने पर आग पूरे गांव में फैल सकती थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।